सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। इस साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड कुछ छोटी सी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से यह ज्ञात होगा कि दिव्यांग जनों को राजस्थान में वर्तमान में 1,000 रुपये प्रतिमा की पेंशन जो है वितरित की जाती है, उनके खाते में दिए जाते हैं, जो कि 1 जून 2023 से लागू हुई थी। पहले 750 देते थे और 500 भी मिलते थे, बढ़कर 1,000 कर दिए गए हैं, है ना। लेकिन अब की बार जान रहे हो कि पहले अब की बार चुनावी साल, ये जो चुनावी अभी आचार संहिता रखने की वजह से डगमगा रही पेंशन, है ना, हमें जो पेंशन है वो डगमगा रही, आगे पीछे चल रही है। तो आप सबको विधिवत रूप से वैसे ज्ञात होगा कि 18 अगस्त या 17 अगस्त 2023 को हमारे पेंशन आई थी, उसके बाद सितंबर में आए नहीं और सीधी आ गई अपने 18 अक्टूबर को। यानी ये अगर सितंबर की माने तो अक्टूबर तो पूरा निकल गया ना, यानी एक महीना ड्यू चल रहा है, या यूं कहें कि एक महीना आगे चल रहा है, या यूं कहें एक महीना पीछे चल रहा है, जैसे भी समझो। इसे एक महीने की आपकी जो पेंशन है वो ड्यू चल रही है, आगे पीछे डगमगा रही है। तो ये कब आएगी? तो देखिए, ये जो पेंशन है आपके, जैसे अगर ईकेवाईसी करवाओ तो भी अच्छी बात है, नहीं करवाओ तो भी कोई बात नहीं है। 18 तारीख के बाद 22 तारीख के बीच तक आपके, सितंबर की बात कर रहा हूं, उसमें आपका बिल पारित हो चुका था लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई थी। ये पेंशन जो है आपके अब 25-27 नवंबर के बाद ही आएगी। अभी तक एक महीना पेंशन आपके नहीं है, क्यों? क्योंकि चुनावी साल नव चुनाव है आपके 25 नवंबर को। 25 नवंबर के बाद आपके दोनों महीने की पेंशन, या यूं कहेगी एक महीने की पेंशन आ जाएगी पहले, उसके बाद कुछ दिनों बाद एक महीने की और पेंशन आ जाएगी। ये आएगी आपके दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, उससे पहले आपके इस महीने की पेंशन आने वाली नहीं है, जो पेंशन बाकी है, ठीक है ना। बस ये जानकारी, बिल आपका पारित हो चुका है 22 तारीख को, 22 सितंबर 2023 को हो चुका है, और पूरा अभी तक जो है अक्टूबर निकल गया है, कल नवंबर बैठ जाएगा, तो आपके एक महीना पीछे चल रहा है, ठीक है ना साथियों। बस तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज के लिए, है ना। और चैनल को लाइक करना तो करें, वरना कोई बात ही नहीं है। कमेंट भी करना तो कोई बात नहीं है, शेयर करना है तो भी कोई करना है, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ठीक है।